हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय समर व्लॉग। कैसे हैं सब? चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग बड़ा क्विक सा है क्योंकि मुझे रेडी होना है एक अफ्तार के लिए, एक अफ्तार पार्टी के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना गेट रेडी विद मी किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए वीडियो। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ साथ साथ, तो साथ साथ आपको बताती जाती हूँ कि भाई मैं बहुत ही मिनिमल से मेकअप करने जा रही हूँ। तो स्टे विद मी और व्लॉग को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जिन्हें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और, जल्द ही जो है मैं गिव अवे अनाउंस करने जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये टोनर अप्लाई कर लूंगी और टोनर थोड़ा सा टोनर लेकर टैप टैप करके अपनी स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट कर लूंगी। वैसे तो ये कॉटन से लगाते हैं लेकिन अभी इस टाइम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाऊँ, व्लॉग भी बन जाए। और कितने दिन से व्लॉग भी नहीं अपलोड किया, तो मैंने सोचा साथ साथ ये काम भी हो जाए और ये काम भी हो जाए। हाँ जी, तो यहाँ पर हो गया है मेरा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी सीरम का। और यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक लैब का ये फेवरेट फेवरेट सीरम है, कह सकते हैं कि आफ्टर ऑर्डिनरी मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और इसने मेरे बहुत से मसले सॉल्व किए हैं, जो कि मैं आपको एक डिटेल वीडियो में बता दूंगी। लेकिन अभी बताती जाऊँ कि मेरे यहाँ पर ये देखें डार्क स्पॉट्स से, ये देखें बहुत ही ज़्यादा लाइट होना शुरू हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। तो चलिए इसमें जल्दी से अप्लाई कर लेती हूँ, टाइम बिल्कुल कम है और इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ तो ये ना हो कि अजाने हो रही हूँ और मैं पहुंचूँ। तो इससे बेहतर है कि हम जल्दी जल्दी से क्विक सा रेडी हो जाते हैं। तो यहां पर हमारा सीरम भी अप्लाई हो गया, उसके बाद जी मॉइस्चराइजर की बात आ जाती है। तो मैं जी यहाँ पर ये ब्लिसफुल का मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, ये भी खत्म होने वाला है बिल्कुल, थोड़ा सा ही रह गया। इसको भी मैं दोबारा रिस्टॉक करूंगी क्योंकि ये बहुत बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं अच्छा भी है और मेरा फेवरेट भी है आजकल। बहुत जल्दी हो रहा है और हाँ जी, तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर भी हमारा डन हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं मिस रोज का ये आईब्रो जेल है जल्दी से अप्लाई करती हूँ। हल्की हल्की सी मैं बस अपनी आईब्रोज जो है फिलअप कर लूंगी क्योंकि थोड़ी सी जो है सेट होने वाली है, तो इसलिए कभी कभी मोबाइल में जो है ना देख के करो तो ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं हल्के हाथ से कर रही हूँ कि ये ना हो प्रोडक्ट ज़्यादा अप्लाई हो गया तो और ही लेट हो जाऊंगी। इसके बाद जी मैंने स्पूली ले लिया है और अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया। ये एक तरह से मेरे लिए चैलेंज ही हो गया क्योंकि मुझे रेडी होना है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर। खैर, इसके बाद जी हम अप्लाई करेंगे ये कंसीलर। इसको अपने हाथ पे निकाल लेती हूँ। ये भी मैं जो है मिस रोज का ही यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छा और अफोर्डेबल कंसीलर है। जो मुझे डे वन से फॉलो करें उनको पता है कि मैं मिस रोज के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। एक तो पाकिस्तानी ब्रांड है और दूसरी बात ये कि अफोर्डेबल भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात ये भी है कि साथ साथ इसकी वर्किंग भी बहुत अच्छी है, ये आपके लिए काम भी बहुत अच्छा करता है।
यार मैस हो गया, लेकिन हायर है, कुछ नहीं होता। ब्लेंडर को मैंने डैम्प कर लिया, अब इसको अच्छे से ड्राई कर लूँ, इसके अंदर भी पानी है। हाँ जी, तो अब इसको अच्छे से ब्लेंडिंग। आईब्रोज हो गई है सेट। कंसीलर अप्लाई करना मैं सॉरी प्राइमर अप्लाई करना मैं भूल गई थी, तो जल्दी से प्राइमर भी अप्लाई कर लेते हैं इससे पहले कि मैं फाउंडेशन फाउंडेशन तो नहीं, आज मैं विदाउट फाउंडेशन ही जो है अपना इसका मेकअप करूंगी। तो जी, तो अब आ रही है कंसीलर। मैं आज कोई फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर रही, मेरे ब्लैक स्पॉट्स हैं, इसी से ही हाइड कर लूंगी। उसके बाद जी ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना ये कंसीलर, इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। तो ब्लश अप्लाई कर लीजिए जल्दी से। यार ये ब्लश इतना कमाल का है ना, ये मुझे जिस पेज से रिसीव हुआ था उसको पेज टैग कर दूंगी। और वो जो खाई वाली जो वीडियो है, जमदा वाली, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने यही जो है ब्लश स्टिक यूज़ की थी, और आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मेरे पास कलर स्टूडियो का ये कॉन्टोर स्टिक है, ये जल्दी जल्दी से इसको जो है अपने नोज को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। पकौड़े समोसे खा के तो डबल चिन तो होनी ही है। बिल्कुल लाइट लाइट सा कंटूर किया मैंने, ये कंटूर स्टिक भी बहुत अच्छी है, ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और इतनी ज्यादा है कि अभी तक तो खत्म ही नहीं हुई। उसके बाद ये इस पैलेट में से हम क्या करेंगे, एक तो यार आज तो इतना मैस हो रहा है ना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, जो लोग समझते हैं ना हलवा है वो 5-10 मिनट में नहीं बन सकती। खैर जी, हम यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश लेंगे और अच्छे से जो है अपनी आईज के ऊपर बस हमने कलर हल्का हल्का सा अप्लाई करना है।
अच्छे से मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग कर ली है। थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है, लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता। इसको मैं जाने से पहले थोड़ा सा लाइट कर लूँगी। खैर ऐसे भी, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी जो आपकी इस जो आईज़ की है ना, कॉन्टोर हो जाता है आपका आई पार्ट। अच्छा यहाँ पर फिर जी स्मॉल फ्लफी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेकर हमने इसको आईज़ के नीचे अप्लाई। आइसक्रीम वाला भी आ गया। अभी तक तो जो है मौसम थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन यह है कि खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारा आई मेकअप भी डन हो गया है। ब्लश में थोड़ा डार्क करूँगी, तो बस इसके बाद बेकिंग करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं और डन हो गया। उसके बाद जी हम अप्लाई करेंगे ये वाइट पेंसिल। और मुझसे एक मेरी जो है सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आपको कौन सी जो है वाइट पेंसिल यूज़ करती हैं, तो मैं जी ये गैबरिनी की यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना, कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है, लेकिन ज़्यादा अप्लाई हो जाती है, तो इसलिए ध्यान से जो है हमें अप्लाई करना पड़ता है। यस डन हो गया, वाइट पेंसिल भी हो गई डन। और अब हम जो है मस्कारा लगाएंगे और लिपस्टिक लगाएंगे, तो मैं मस्कारा वगैरह लगा के जल्दी से आती हूँ। यहाँ पे मैं ब्लशन को थोड़ा सा डार्क कर लूँ, लाइट लग रहा है ये मुझे। अब रह गई है जी हमारी बेकिंग। बेकिंग करेंगे और डन, फिर लिपस्टिक और डन 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 डन। तो बेकिंग के लिए मैं जी यूज करूंगी यहाँ पर ये क्या नाम है, ब्यूटीफाई बाय आमना का ये बेकिंग। ऐसा ही होता है, चलें जी यहां पर हो गया हमारा फेस मेकअप हो गया डन। अब लिपस्टिक लगाते हैं, और लिपस्टिक जो है मेरा जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरह का है, इस तरह से इसके अंदर कलर है, तो इसके साथ लाइट सी पिंक कलर लगाते हैं, लाइट कलर ही लगाते हैं। लिपस्टिक भी हो गई डन, और लास्ट में अप्लाई करेंगे ये एनएक्स का जो है ये फिक्सिंग स्प्रे। अब जी आपका मेकअप जो है तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए हिलने नहीं लगा, इवन कि जब तक आप इसे हिलाएंगे नहीं तब तक हिलेगा नहीं। जी तो हम हो गए हैं जी जल्दी से रेडी, तकरीबन 10 मिनट के अंदर मैंने ये मेकअप किया है। बीच में कुछ कटिंग भी करूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे मैस हो गए थे, कुछ जो है मेरा वो ब्लश नीचे गिर गया, टूट गया था, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो गए थे, उनको मैं सब कुछ कट कर दूंगी, क्योंकि बीच में ऐसी ऐसी मैंने बातें कर दी है ना कि मैं वीडियो कट करूंगी। हाँ जी मेरा यहाँ पर व्लॉग एंड करती हूँ मैं।
हाँ जी, तो कैसा लगा आपको मेरा गेट रेडी विद मी? और बहुत जल्दी जल्दी से मैं रेडी हुई हूँ, तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बूस्ट मिलता है, एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिलती है कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो, आप लगे रहो और बढ़ते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। तो जी फीडबैक ज़रूर दिया करें, मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लें, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी तक वो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। और अगर किसी चीज़ के बारे में भी आपने डिटेल जाननी हो, मेरे किसी व्लॉग के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप इंस्टाग्राम पे DM करें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी, नहीं तो आप कॉमेंट सेक्शन में ही मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।